हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 61 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम सीखने वाले हैं। देखिए, जो डॉम का फुल मीनिंग होता है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। मैंने आपको सबसे अपनी पहली जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल में बताया था कि जावास्क्रिप्ट का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो है इवेंट। उसका एक दूसरा स्ट्रांग पॉइंट भी है, वो है डॉम। आप इन दोनों को मिला के बहुत सारे काम कर सकते हैं। डॉम के यूजेस जो हैं जितने भी, उनको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉम एक्चुअल में है क्या, मतलब कि डॉम ट्री किसे कहते हैं। देखिए, जो डॉम पार्ट होता है वो होता है एचटीएमएल का पार्ट, और उसमें जो सबसे मेन काम होता है वो होता है, सारा मेन काम है डॉक्यूमेंट का। और डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे मेन टैग होता है वो होता है हमारा एचटीएमएल टैग, जिसे हम रूट टैग भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास आते हैं दो मेन टैग जो इसके चाइल्ड टैग होते हैं, एक का नाम है हेड टैग और एक का नाम है बॉडी टैग। हेड टैग और बॉडी टैग दोनों ही आपस में सिबलिंग है, और इनका जो पेरेंट टैग कहेंगे वो कहेंगे एचटीएमएल टैग को। अब हम हेड टैग की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो इसका चाइल्ड टैग आता है उसका नाम है टाइटल टैग। और टाइटल के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के लिए न्यू वेबसाइट। अब इसी तरह हमारे बॉडी टैग के अंदर भी हम मल्टीपल एलिमेंट्स उसके चाइल्ड डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है नैव टैग, मतलब कि नेविगेशन टैग, और एक हेडिंग टैग। नेविगेशन टैग के अंदर हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लिया उसका चाइल्ड टैग जिसका नाम है एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर उसका जो चाइल्ड है टेक्स्ट नोट, जिसको हम कहेंगे अबाउट अस। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। और एंकर टैग का यहाँ पर एक और चाइल्ड होगा जिसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट, मतलब कि जैसे क्लास हमने ले लिया या आईडी वगैरह कुछ भी लेंगे, वो भी उसका चाइल्ड ही माना जाएगा एंकर टैग का। और इसी तरह अगर हम हेडिंग की बात करें तो वहां पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक चाइल्ड नोड है, उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट दिए हैं, एक है आईडी और एक है क्लास। यहाँ पर आपको जितने भी एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एलिमेंट, जो हमारे टैग्स हैं सारे, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो एट्रीब्यूट है, चाहे वो अलग से एट्रीब्यूट आईडी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं नोड्स। यहाँ पर हम कहेंगे एलिमेंट नोड, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट नोड, और इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट नोड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है, इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था कि डॉम ट्री एक्चुअल में होता क्या है। आप इस डॉम ट्री की हेल्प से आप जब भी करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो दो ही काम कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं गेट या सेट। गेट का मतलब आप जब भी कुछ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, या तो आप हमेशा कुछ गेट कर रहे होंगे किसी की वैल्यू, या कहीं पर वैल्यू सेट कर रहे होंगे। आप फ्यूचर में जाके जब भी फॉर्म्स के साथ वेब में फॉर्म्स की एडिटिंग कर रहे होंगे, या आप वेबसाइट पे एनिमेशन लगा रहे होंगे, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर गेम की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे, तो आप हमेशा हमेशा दो ही काम करेंगे। या तो आप हमेशा गेट कर रहे होंगे वैल्यू को, या हमेशा सेट कर रहे होंगे वैल्यू को। गेट का क्या मेरा मतलब है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप यहाँ पर गेट करना चाहते हैं कि जो हेडिंग वन है उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो आप उठा के कुछ और करना चाहते हैं उसके साथ, तो आप हमेशा गेट करेंगे उसकी वैल्यू को। या आप देखना चाहते हैं कि हेडिंग वन के अंदर क्लास कौन सी लगाई हुई है, तो इसका मतलब है गेट करना। या आप देखना चाहते हैं कि जो टाइटल टैग है उसके अंदर टेक्स्ट क्या आ रहा है, या इसके बाद हम देखेंगे, या तो हम सेट करना। सेट का क्या मतलब है मेरा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हेडिंग वन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम, और इसको आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप करेंगे सेट। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे गेट और सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जैसे क्लास आ रही है, हम इसकी क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले क्लास लगी हुई एबीसी, और उसको आप चेंज करके एक्स वाई जेड करना चाहते हैं, किससे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये भी आप कर सकते हैं आप डॉम की हेल्प से। डॉम की हेल्प से आप गेट सेट के अलावा एक काम और कर सकते हैं, या तो आप HTML का नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, या HTML का पुराना एलिमेंट जो पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहां से H1 को डिलीट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो आपको यहां पर डॉम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप यहां पर देखिए, बॉडी के अंदर ऑलरेडी दो चाइल्ड आ रहे हैं उसके, नैव और H1, आप एक और यहां पर उसका चाइल्ड डालना चाहते हैं, मतलब कि H2 जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो उसके लिए भी आप डॉम का ही यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको एक डॉम की इंट्रोडक्शन दी है कि डॉम ट्री क्या होता है, और हम डॉम को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। हम बेसिकली गेट कर सकते हैं, या कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, या HTML का कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, या पुराना एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब इनको एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली करना कैसे है, इनको ऐड डिलीट या सेट या गेट करना कैसे, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।